ये होता है कंटेंट भाई साहब, ये होता है कंटेंट। ये ट्रेलर देखने के बाद अब जाके लगा कि भाई बॉलीवुड में कुछ तो दम है भाई, खत्म नहीं हुआ बॉलीवुड। मैं कब से बोल रहा हूँ बॉलीवुड खत्म नहीं हुआ, कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो कभी मर नहीं सकते। और एक अपडेट कि भाई अली जफर इस ट्रेलर में नहीं है, इसका मतलब वो इस मूवी में भी नहीं है। और उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि भाई मिर्जापुर 3 का जो शूटिंग चल रहा है तो वहाँ पर उनको गुड्डू भैया बनना है, इसीलिए वो इस मूवी को मिस आउट करने वाले हैं। तो भाई अगर आप अली जफर के फैन हो या उनका कैरेक्टर बहुत लाइक करते थे तो अब आप उनको मिर्जापुर 3 में ही देख सकते हो, बिकॉज इस वाले 3 वाले पार्ट में तो नहीं मिलने वाले। अभी तक हमको सिर्फ पार्ट 2 देखने को मिल रहा था हर मूवी का, पर अब पार्ट 3 आने वाला है। फुकरा का पार्ट 3 आने वाला है और इतना भयंकर ट्रेलर निकाला भाई, देख के मजा आ गया। ये ट्रेलर आपसे कुछ प्रॉमिस करे ना करे, पर एक चीज ये प्रॉमिस करता है वो है एंटरटेनमेंट, प्योर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इस मूवी में है पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, मनोज सिंह, ऋचा चड्ढा और मेन भाई एक नया एक्टर आया इस मूवी में, पंकज त्रिपाठी, जिनको कैरेक्टर दिया गया पंडित जी का। और वो जब भी किसी भी मूवी में आ रहे हैं भाई, कहीं पे भी आ रहे हैं, वेब सीरीज हो मूवी हो भाई, वो फाड़ रहे हैं। मतलब उनका एक्टिंग लेवल भाई अलग लेवल पे चल रहा है अभी, जिस लेवल पे मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर्स हैं उस लेवल पे आ चुके हैं पंकज त्रिपाठी। और जी हाँ, इसमें बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स होंगे जो कि 18+ कंटेंट होगा। और भाई ये डायलॉग्स इसमें होने वाले हैं, तो अभी इसका जो रेटिंग है मेरे ख्याल से यूए रेटिंग मिलेगा, 18+ वाला रेटिंग मिलेगा, मे भी मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है। और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि अभी जितने भी मूवीज़ आ रहे हैं, जितने भी मूवीज़ के पार्ट 2 पार्ट 3 आ रहे हैं भाई, उनका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है और जो टाइटल म्यूज़िक है वो बिल्कुल सेम रखा जा रहा है, जो कि बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। हल्का फुल्का ट्यून्स जो है वो बढ़ा रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, पर बाकी पूरा का पूरा सेम है। और फुकरे का टाइटल सॉन्ग सुन के भाई फिर से मजा आ गया, वो फुकरे वाला वाइव आ गया जो भाई फुकरे पार्ट 1 पार्ट 2 ने किया था। और मुझे पूरा का पूरा गारंटी है फुकरे पार्ट 3 भी वही कमाल करने वाला है थिएटर में। अब जो है हमारे हनी भाई और चूचा भाई, वो भाई पास आउट हो चुके हैं, पास आउट होने के बाद अब उनका लाइफ आगे बढ़ चुका है और वही चीज दिखाया जा रहा है इस मूवी में। और सबसे खतरनाक चीज ये है कि भाई इसमें अब पॉलिटिक्स डाला गया है और पॉलिटिक्स के थ्रू इसमें अब कॉमेडी दिखाने की कोशिश किया जाएगा। एंड सिनेमेटोग्राफी का तो भाई अलग ही लेवल चल रहा है, वो फ्लाइट वाला सीन भाई बहुत ही ज्यादा फनी था, आइस क्यूब वाला सीन अगर आपने देखा होगा ट्रेलर के लास्ट में। तो मुझे ट्रेलर देख के इतना ही समझ में आया कि भाई ये आपको प्योर एंटरटेनमेंट और कॉमेडी प्रॉमिस कर रहा है, और इसके जितने भी एक्टर हैं भाई वो खतरनाक करने वाले हैं। डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल परफेक्ट है, डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। तो अगर आप वेट कर रहे थे कुछ एक कॉमेडी मूवी देखने का, जो कि बहुत टाइम से नहीं मिल रहा था, अच्छे अच्छे स्टार कास्ट लेने के बाद भी कोई भी ऐसा मूवी नहीं आ रहा था जिसको आप देख के हंस सको, तो ये एक मूवी आ रहा है सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में। तो प्लीज वेट कर लो, और इस मूवी के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।